लेकिन इसी बीच एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आरसीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू से। एबीपी न्यूज ने आपको सबसे पहले ये खबर दिखाई थी किस तरह से आय से अधिक का संपत्ति का ये मामला भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए और अपनी ही पार्टी में विरोध झेल रहे आरसीपी सिंह, जो अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आरसीपी सिंह का जो हमारे पास एबीपी न्यूज के पास इस वक्त मौजूद है, हमारे संवाददाता प्रकाश ने उनसे बात की है, आपको उनकी पूरी बात सुनवाते हैं। इतिहास में ये पहला मौका होगा जब पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हों। हमारे साथ रामचंद्र बाबू हैं जिन्हें जेडीयू वनवास भेजने की तैयारी कर रही है। आरसीपी सिंह जी, आप ये बताइए कि आप पर अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है और भ्रष्टाचार के जरिए जमीन की खरीदारी की गई है, हेर फेर किया गया। देखिए एक बात बता दें, ये जिन लोगों ने आरोप लगाया है ना, उनको फिर मैं चुनौती देता हूँ कि वो एक जमीन निकाल ले जिसको मैंने लिखवाया है या मैंने पैसा दिया है। आप जरा मुझे बता दीजिए जी, इस देश में राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर पैसे हैं तो जमीन खरीद सकते हैं, कृषि की जमीन खरीद सकते हैं, मकान बनाने के लिए जमीन खरीद सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब बताइए मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के लगाए हैं श्रीमान जी लोग, बताइए जो लिस्ट भेज दिया है उन लोगों ने, लिस्ट बनाया कौन है जी? जो दो लोगों के सिग्नेचर हैं हमारे साथ ही आपको बता देंगे कौन हैं कौन, चलिए उसमें मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन बताइए पिछले सवा साल से मैं जिस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा हूँ आप सब देख रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की इंतहा होती है। मैं तो मर्यादा में था, आपने टिकट काट दिया कोई बात नहीं, घर से निकाल दिया कोई बात नहीं, रोज़ कुछ ना कुछ करते कोई बात नहीं, अब मैं नहीं तो मेरे परिवार पर आप आ गए। जरा बताइए साहब, मेरी बेटियों को घसीट रहे हैं, मेरी पत्नी को घसीट रहे हैं और क्या कह रहे हैं? मैं तो चुनौती दे दिया हूँ इन लोगों को कि भाई 2010 के पहले तो मैं सरकारी सेवा में था, सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास होगा, 2010 के बाद मैं एमपी हूँ, सारा अकाउंट्स तो हमारा है ही, देख लें कि मैंने कभी अपने अकाउंट से अपने किसी बच्ची का नाम पैसा दिया हूँ, कोई ज़मीन खरीदा हूँ। अब मेरी बेटियाँ हैं, आपको मैं बता दूँ, मैं पिताजी का अकेला बेटा था, हमारे पिताजी शिक्षक थे, सरकारी सेवा में थे, वर्षों तक रहे, उन्होंने मेरे सामने ही अपनी सारी संपत्ति अपनी पोतियों को नाम कर दिया। अब बताइए 2010 से मेरी दोनों बेटियां इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करती है और जिसका ही ब्यौरा दे रहे हैं श्रीमान जी लोग, आप जरा देख लीजिए सब इनकम टैक्स रिटर्न में मेरी बेटियों ने दिखा रखा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।